अच्छी तरह से आप रिलीज कर लीजिए, ठीक है, तब इसे हम ओपन करते हैं, ठीक है। ये आपका स्टीम रिलीजर हो गया। अब ये देखिए गाइस, ये आपका पूरा का पूरा कंट्रोलर या फिर कंट्रोल पैनल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या आप देख सकते हो, टाइमर भी है, टेम्परेचर भी है। अब इस पर टेम्परेचर सेट कर दोगे, ये आपका सेट करने का। इससे आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो और इससे आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और टेम्परेचर मैंने आपको बताया ही था 121 डिग्री सेंटीग्रेड एट 50 LBS प्रेशर वो 15 मिनट्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। जब आप टेम्परेचर सेट कर दोगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड तो प्रेशर वाल्व ऑटोमेटिकली ही प्रेशर को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। ये आपके इंडिकेटर है। आप देखिए, ये आपका मेंस इंडिकेटर है और ये आपका लोड इंडिकेटर है और ये लो वाटर इंडिकेटर है, ठीक है। मेंस क्या करेगा, जब आपका ऑटोक्लेव स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इंडिकेट कर देगा। लोड इंडिकेटर क्या होता है, अगर आपको लग रहा है या फिर ऑटोक्लेव खुद ही ये फील कर लेगा कि अंदर अगर ऑब्जेक्ट्स की जो कंटेंट है वो ज़्यादा वेट का है तो आपको ये इंडिकेट कर देगा, जिससे आप ऑब्जेक्ट को कम भी कर सकते हो। ये आपका लो वाटर, अगर आपका वाटर रेट्रापोर्ट से कम है तो ये आपको इंडिकेट कर देगा, ठीक है। ये आपका कंट्रोल पैनल है। अब आइए यहाँ पर, ये आपका है पैडल लिफ्टिंग सिस्टम। पैडल लिफ्टिंग सिस्टम की हेल्प से आप क्या करोगे, ऑटोक्लेव को अप डाउन करोगे, मतलब ओपन भी करोगे क्लोज भी करोगे, ठीक है। और ये ऊपर देखिए आप, ये आपका पूरा लिड रेडियल लॉक सिस्टम है, ठीक है। ये लिड रेडियल लॉक सिस्टम है, इसे टर्न करोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी हेल्प से आप क्लैम्स को, ये आपके क्लैम्स हैं, इनको फ्री करोगे और फिर आपका ऑटोक्लेव ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका हैंडल है, इसकी हेल्प से आप इसे फ्री कर सकते हो और इसे आप लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसे पहले फ्री कर लीजिए लिड रेडियल लॉक सिस्टम की हेल्प से, अभी आपका फ्री हो जाएंगे क्लैम्स। आप इस हैंडल को, ये आपका हैंडल पूरा का पूरा लॉक है, इसकी हेल्प से आप हैंड फ्री करके, ठीक है, तब आप पैडल लिफ्टिंग सिस्टम की हेल्प से इस ऑटोक्लेव को उठाओगे। जब आप उठाओगे तो ये आपका लिड लिफ्टिंग सिस्टम है। जब आप पैडल लिफ्टिंग सिस्टम से आप उठाओगे तो लिड लिफ्टिंग सिस्टम इसे हेल्प करेगा क्लोज या ओपन होने के लिए, ठीक है। देखिए आप, जैसे आपने पैडल लिफ्टिंग सिस्टम को प्रेस किया तो ये आपका ऑटोक्लेव खुल रहा है। इसे आराम से स्मूथली आप इसे खोल लीजिए, ठीक है जी। अब गाइस अंदर आइए, मैं आपको अंदर का बताता हूँ, ठीक है। अंदर देखिए गाइस, आप सर अंदर दिखाइए, ये आप देखिए जी, गाइस ये आपकी बकेट भी बोल सकते हो आप, या फिर इसे ट्रे भी बोल सकते हो। ट्रे किस लिए होती है, आपके ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए, ठीक है। अगर आप इसे ओपन करोगे ट्रे को तो आप ट्रे के अंदर देख सकते हो, ये आपने ओपन की ट्रे, ठीक है। आप अंदर देखिए अच्छी तरह से दिखाइए सर फोकस करके, ये आपका टेट्रापोड है। किसी में टेट्रापोड ट्राईपोड भी होता है, ठीक है। और टेट्रापोड के आप नीचे देखोगे तो हीटिंग एलिमेंट दिख रहा होगा आपको। हीटिंग एलिमेंट किस लिए, के पूरा का पूरा हीट करने के लिए, ठीक है। ये आपका हीटिंग एलिमेंट है। और आप वाटर लेवल देख लीजिए, टेट्रापोड के जस्ट ऊपर है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये आपका वाटर लेवल ऑटोक्लेव का होना चाहिए, ठीक है। आप ट्रे को अंदर रख दीजिए, ठीक, आपने ट्रे रख दी। और हम ट्रे को जनरली यूज़ क्यों करते हैं, इसमें हमारे सारे जो ऑब्जेक्ट्स हुए, जैसे कि आपका मीडियम हुआ या फिर आपका कॉनिकल फ्लास्क हुआ आपका, ठीक है, साइंटिफिक ट्यूब हुई, इनको आराम से इसमें ट्रे में रख सकते हो, ठीक है। वही पैडल लिफ्टिंग सिस्टम की हेल्प से इसे उठाइए, प्रेस कीजिए, करना है, ये फ्री है। अब इस हैंडल को लॉक कीजिए। अब आप इस रेडियल लिफ्टिंग सिस्टम, जो आपका लिड रेडियल लॉक सिस्टम है, उसकी हेल्प से आप इसे एयर टाइट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका एयर टाइट हो चुका है। एयर टाइट क्यों करते हैं गाइस, अंदर की एयर बाहर ना जाए और बाहर की एयर अंदर ना आए, ठीक है, जिससे अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और जी हमारा ऑटोक्लेव जो होता है, ये डबल लेयर होता है, ठीक है ना। ये आपका एक्सटर्नली हो गया, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, लगता है कि ये आपका कंट्रोल पैनल काम नहीं कर रहा है, तो ये सेफ्टी वाल्व क्या करेगा आपका, ये सेफ्टी वाल्व होता है, इसमें जो लगा हुआ ग्लास जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और स्टीम बाहर निकल जाएगी, इससे आपका ऑटोक्लेव सेफ रहेगा, ठीक है गाइस। ओके दोस्तों, आप क्या करोगे, इसने आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, आप ऑन कर लोगे, ठीक है। आप जैसे ही ऑन करोगे, ये देखिए जी इंडिकेटर हो गया, ठीक है, इंडिकेटर आपको शो कर रहा है, ठीक है, ये आपको इंडिकेट कर देगा लोड भी, ठीक है, इंडिकेट हो गया आपका। अब इसके बाद आप टेम्परेचर आप सेट कर, हमने ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ टेम्परेचर आपका सेट हो जाएगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 LBS प्रेशर फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसे आप 15, हाँ एक बात और गाइस दोस्तों, एक बात और, आपने जो टेम्परेचर 121 आप डिग्री सेंटीग्रेड जो आप इस पर सेट करोगे, उसको क्या करेंगे, जब तक कि प्रेशर वाल्व की जो सुई है वो 15 पर नहीं आ जाए, तब तब तक आप टाइम को काउंट नहीं करोगे, जब आपके जो प्रेशर वाल्व है 15 आ जाएगा। ऐसे क्यों कर रहे हो कि जब तक कि आपका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंच जाएगा अंदर का, तब उसके बाद ही आप क्या टेम्परेचर को काउंट करना स्टार्ट करते हो। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट पहुंच जाए, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि डायरेक्टली टेम्परेचर आपका 121 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, वो धीरे धीरे करके स्लोली। जब आपका 121 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर पहुंच जाए, उसके बाद आप टाइमर लगाएंगे 15 मिनट तक के लिए, ठीक है। तब आप 15 मिनट्स तक के लिए टाइमर लगा के
पूरा का पूरा ऑटोक्लेव होने के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है गाइज, इसके बाद आप 15 मिनट के बाद क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। अब गाइज आफ्टर 50 मिनट्स, ठीक है, अब 15 मिनट के बाद हम देखते हैं क्या। इसको पहले आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। ऑफ करने के बाद ध्यान रखना दोस्तों, इस थोड़ा कूल होने दीजिए। कूल होने के बाद क्या करोगे आप, स्टीम को फ्री कर दोगे। जो आपको मैंने स्टीम रिलीजर दिखाया था, आप स्टीम को पूरी की पूरी फ्री कर दो, जिससे अंदर जितनी वेपराइजेशन बनी हुई वो बाहर निकल जाए। फ्री करके तब आप अपने ऑटोक्लेव को ओपन करोगे और जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स अंदर हैं उनको बाहर निकालोगे। ठीक है गाइस, ओके दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट द ऑटोक्लेव। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन फॉर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा चैनल और ग्रो करेगा और मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा।